नमस्कार, आपका स्वागत है की टू लर्न में। आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक बहुत खूबसूरत सी पोइम, और पोइम है चाइल्डहुड, यानी अपना बचपन। इस पोइम को लिखा है मार्कस नैटन ने। मार्कस नैटन के बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है, बस इतना मालूम है कि वह नॉर्वे के रहने वाले थे। पोइट अपने बचपन को याद कर कर के ना जाने कहाँ कहाँ से, किधर किधर से, किस किस जगह अपने बचपन को ढूंढता है और कहता है कि मेरा बचपन ना जाने कहाँ खो गया, कब चला गया, कैसे चला गया, क्या वजह थी, और उसको ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करता है। इस पोइम के अंदर, जो कि नई सीरीज़ है क्लास 11th के अंदर इंग्लिश की, हॉर्नबिल, वहाँ से ये पोइम जो है वो ली गई है। तो चलिए हम पोइम में एक एक करके, एक एक स्टांजा जो है उसको अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। पोइट क्या कहते हैं? When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? देखिए क्या कहते हैं, When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया, कब खो गया, ना जाने कब चला गया। क्या ये वो दिन था जब मैं 11 का हो गया, यानी जब वो 11 वर्ष के हो गए, 11 साल के हो गए, तो क्या ये वो दिन तो नहीं था जब मैं 11 साल का हो गया तो मेरा बचपन मुझसे छिन गया। वैसे आपको बताऊं कि हर किसी को अपने बचपन से बहुत प्यार होता है। जो आनंद इंसान को अपने बचपन में प्राप्त होता है, वो है आनंद कभी उसको आगे की ज़िंदगी में प्राप्त नहीं हो सकता। क्या मज़ा, क्या ज़िंदगी, क्या ऐश अपने मन की करनी। मगर अब पोइट जो है वह ढूंढ रहे हैं, चाह रहे हैं कि उनका बचपन वापस आ जाए जो चला गया। कुछ तो कुछ जो उन्होंने खोया है उसको वो पा लें। सीज्ड वर्ड यूज हुआ है, सीज्ड। सीज का मतलब तो होता है रुक जाना, स्टॉप हो जाना। यहाँ पर हम समझेंगे कि वह 11 के हो गए और 12 में लग गए, तो उनका बचपन उनसे छिन गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हैवन। यहाँ पे थोड़े से वो रूहानी हो जाते हैं, आत्मा की ओर चले जाते हैं। क्या ये वो समय तो नहीं था जब मुझे हेल और हेवन का पता लगना शुरू हो गया, जब मैं ये जानकारी प्राप्त करना शुरू हो गया कि दुनिया में अच्छा और बुरा भी होता है, कोई जगह बैकुंठ भी है, जन्नत भी है और जहन्नम भी है। ऐसा भी उन्होंने सोचा। क्या उस टाइम तो उनका बचपन उनसे छीन तो नहीं गया? कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी। अरे पोइट ने तो जियोग्राफी की बुक्स भी सारी ढूंढ ली, उसके अंदर भी उनको इस चीज़ का कोई आंसर नहीं मिला, कोई आंसर प्राप्त नहीं हुआ, कोई आंसर नहीं मिला। एंड देयर फोर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे। कहता है मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया कि वो कौन सा दिन था, वो कौन सा दिन था। पोइम के अंदर राइम स्कीम जो यूज़ हुई है, देखिए पहला है ए बी बी सी सी डी। कौन सी राइम स्कीम यूज हुई है? ए बी बी सी सी और डी, ये वाली पोइम के अंदर राइम स्कीम यूज हुई है। बस पोइट इस राइम स्कीम के सहारे अपने बचपन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बस अपने मंजिल की तरफ चल रहा है।
ना जाने कहाँ उसको उसके बचपन, खोया हुआ बचपन मिल जाए। देखिए इस नेक्स्ट स्टाज़ा में क्या कहते हैं वो। When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? कहता है कि ये वो समय तो नहीं था, वो दिन तो नहीं था जब मैंने सीखा कि जो एडल्ट्स हैं, यानी पोइट खुद भी एडल्ट हो गया है, पोइट खुद भी समझदार हो गए, अब खुद भी जवान हो गए। कहते हैं कि ये वो दिन तो नहीं था जब एडल्ट लोग जैसे वो दिखते थे वैसे वो थे नहीं, यानी जो दिखता था वो था नहीं। लोग दूसरों को शिक्षा देने की कोशिश करते थे, सिखाने की कोशिश करते थे, सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करते थे, प्यार पे प्यार और हमदर्दी की बातें बताते थे, लेकिन खुद उन चीज़ों पे अमल नहीं करते थे। खुद उन चीज़ों पे अमल नहीं करते थे, लोगों को रास्ता दिखाते थे। क्या वो समय तो नहीं था जब मैं अपना बचपन खो बैठा, जब मेरा बचपन मुझसे छिन गया? क्या ये वह समय तो नहीं था? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट वर नॉट ऑल दिस सीम टू बी? कि अडल्ट वैसे ही नहीं थे जैसे वो दिखते थे, जब मैंने रियलाइज किया, जब मैंने महसूस किया, जब मुझे पता चला कि एडल्ट लोग जो हैं, जवान लोग जो हैं, जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वो प्यार की भाषा बोलते थे या बोलते हैं और प्रीच भी करते हैं, प्रचार करते हैं, प्यार का प्रचार करते हैं, लेकिन बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन प्यार से पेश नहीं आते, वो प्यार से पेश नहीं आते, वो वायलेंट हैं, वो मीन हैं, वो मतलब परस्त हैं, वो गुस्सेल हैं। लेकिन कहते हैं कि हमें हमदर्दी और प्यार से रहना चाहिए। क्या ये वही दिन तो नहीं था जब मैं अपना बचपन खो बैठा, जब मेरा बचपन कहीं चला गया, ना जाने कहाँ चला गया? देख लिए आगे इस स्टांजा में क्या कहते हैं। वेन डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कब चला गया? वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन टू यूज विच एवर वे आई चूज प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नो दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माइन अलाउन? वॉज दैट द डे? कहता ये वो दिन तो नहीं था जब मेरा दिमाग समझदार हो गया, मतलब मैं खुद समझदार हो गया, मेरा माइंड डेवलप कर गया और मैं जो रास्ता चुनना चाहता था मैंने वही रास्ता चुना। विच एवर वे, यानी जो मैंने डिसीजन लिया वो मैंने अपनी मर्जी से लिया, अब मैं समझदार हो गया। कहीं ये वही समय तो नहीं? और जो मेरे विचार थे, मेरी सोच थी, मेरी थॉट्स थी, वह दूसरे लोगों की नहीं थी। क्या ये वो समय तो नहीं था? क्योंकि जो मेरे विचार थे सिर्फ मेरे थे, अकेले मेरे के ही थे, यानी मैं इंडिपेंडेंटली सोच सकता था, इंडिपेंडेंटली अपने विचार रख सकता था। क्या ये वही समय तो नहीं जब मेरा बचपन मुझसे अलग हो गया, मुझसे दूर चला गया? पोइम के आखिरी स्टांजा के अंदर कहते हैं, वेयर डिड माई चाइल्ड हुड गो? ध्यान दीजिए, अभी तक ये वेन का यूज कर रहे थे, जो अलिट्रेशन जो यूज होती है, अलिट्रेशन जिसको बोलते हैं, बार बार वर्ड यूज होते हैं सेम सेम, अभी तक ये यूज कर रहे थे वेन, अब वेयर, कहाँ, किधर? वेयर डिड माई चाइल्ड हुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस।
दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। रिजल्ट एंड पे कह देते हैं, कहते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, वह वहाँ चला गया, ऐसी जगह चला गया जिस जगह को मैं भूल चुका हूँ, फॉरगॉटन प्लेस, ऐसी जगह जिसको मैं भूल चुका हूँ, यानी अपना बचपन, अपनी यादें, अपनी बचपन की मेमोरी जो वापस नहीं आ सकती, जो वापस नहीं आ सकती। हाँ, वह दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट स्पेस, जो छुप गया, गुम हो गया जब मेरा बचपन था, जब मैं बच्चा था, इन्फेंट था मैं जब छोटा था, वो जो मेरे चेहरे पे था वो उसी समय तक था, उसके बाद जो है वो समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। अगर मैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो मेरा बचपन है वह अगर आप देखना चाहते हो तो किसी छोटे बच्चे में देखो, अपना बचपन अगर आप देखना चाहते हो तो उसको भी किसी छोटे बच्चे में देखो जबकि वह छोटा है। ये नहीं कि वो 11 का हो गया, 11 के बाद का हो गया, जब वो एडल्ट हो गया, जब उसकी सोच उसकी है मगर जो वो दिखता है वैसा वो नहीं है, ऐसा नहीं। ये जो है ये एक ऐसी याददाश्त बनकर रह गई जो अब वापस नहीं आ सकती, बस एक याददाश्त ही है। और ऐसी जगह है, कैसी, किस जगह पे है? अरे बचपन की यादें बचपन के चेहरे में ही होंगी। कहने का मतलब कि छोटे बच्चे में ही आप उसको अच्छे ढंग से देख सकते हो। अपने बचपन को भी अगर हम तलाश करना चाहें तो हम भी अपने बचपन को छोटे बच्चे में ही देख सकते हैं जो कि इन्फेंट है, जिसके लिए सच सच है और झूठ झूठ है, जिसके चेहरे में कितने सारी सच्चाइयाँ छुपी हैं, उसकी स्माइल के पीछे ना जाने कितनी खुशियाँ छुपी हैं। वहाँ मेरा बचपन चला गया, अब वो बड़े हो गए। एक बात आपको मैं क्लियर बोल दूं कि जो पोइट होते हैं उनकी जो पोइम्स हैं ये हम अपनी इंटरप्रिटेशन यूज़ कर रहे हैं, ये अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि शायद पोइट ऐसा कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं ये वही जानते हैं। हम किसी लाइन को किसी तरह से भी बयान कर सकते हैं, मैं जैसे बयान कर रहा हूँ हो सकता है दूसरा कोई इसको किसी और ढंग से बयान करे, किसी और एंगल से उसकी इंटरप्रिटेशन दे, लेकिन ये पोइट ही जानता है कि उसने इसको किस एंगल से लिखा हुआ है। देखिए कुछ पोइटिक डिवाइस जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहले मैंने आपको राइम स्कीम बताई थी, वो राइम स्कीम क्या थी, इसमें ए बी बी सी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, इस वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है, इस फ्रेज को बार बार रिपीट किया गया है। जो चीज़ बार बार रिपीट की जाए उसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रेन। क्या कहते हैं? रिफ्रेन, रिफ्रेन, वो रिफ्रेन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और वर्ड यूज हुआ है, दो वर्ड ऑपोजिट वर्ड यूज हुए हैं, हेल एंड हेवन, हेल एंड हेवन, हेल एंड हेवन दो ऑपोजिट वर्ड यूज हुए हैं, इसको कहते हैं हम एंटीथीसिस। क्या कहते हैं? एंटीथीसिस, हेल एंड हेवन दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज हुए हैं, हेल एंड हेवन, इसको बोलेंगे हम एंटीथीसिस। यहाँ पर ही देखिए रेशनलिज्म यूज हुआ है, रेशनलिज्म, पोइट अपने बचपन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है कि यहाँ पर हेल एंड हेवन है लेकिन नहीं है, मैंने ज्योग्राफी के अंदर ही वो हैं बट ऐसे वो नहीं है। इस टाइप का जो स्टैंजा होता है, इस टाइप का जो बयान होता है उसको हम कहते हैं रेशनलिज्म। क्या कहते हैं? रेशनलिज्म,
ये पूरा इसके अंदर रैशनलिज्म है। तो चलिए इसके साथ ही पोएम जो है वो समाप्त होती है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल पे भी बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट तो आप करेंगे ही, साथ में लाइक तो बनता ही है। अगर ना भी बने तो अनलाइक भी कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। तब तक बाय बाय।